हेलो दोस्तों नमस्कार, ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बजट सत्र काफ़ी ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स उम्मीद लगाए थे कि इस बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन उनका हाथ अभी भी रिक्त। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। यहाँ पे टॉपिक है कि बजट के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कौन से वो रास्ते हैं, कौन सा कार्य किया जा रहा है जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनकी बढ़ी हुई पेंशन की रकम मिल सके। सारे टॉपिक ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला नंबर का जो टॉपिक है, लखनऊ में टीम NIC के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वह कदम क्या है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि NIC टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि दिलाने के लिए कार्यालय, जो वहां का प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। वहां पे प्रेजेंट समय में जब प्रदर्शन किया गया, वहां पे जब प्रेजेंट समय में मौजूदा समय में आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं इनकी फोटोज, इनकी तस्वीरों को देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब NIC की टीम वहाँ पे पहुंची तो वहाँ के मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में उपस्थित थे, मौजूद थे। लेकिन अभी चुनाव का माहौल होने के कारण जो मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, जो मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मुलाकात करने के उद्देश्य से गए थे NIC की टीम। लेकिन NIC के टीम के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका मुलाकात नहीं हो सका। लेकिन जो उच्च अधिकारी कार्यालय के उच्च अधिकारी थे उनसे मुलाकात किए, उन्हें ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ में पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया, भेजा गया। तो वहाँ पे जो प्रदेश कार्यालय के सामने एक प्रकार से NIC की टीम के द्वारा प्रदर्शन किया गया और असंतोष व्यक्त किया गया कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम अभी तक नहीं मिल पाई है, इन सारी बातों से अवगत कराया। साथ ही साथ मीडियाओं से भी मुलाकात किया गया, मीडिया प्रभारी जो है उनसे भी मुलाकात करके मीडिया प्रभारी को भी इस बात से अवगत कराया कि भाई एक बार नहीं बल्कि दो दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। दूसरा नंबर पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पेंशनर्स को कर मुक्त करे केंद्र सरकार, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस बजट सत्र में शामिल नहीं हो सका। लेकिन अभी पेंशनर्स का यह कहना है कि कर मुक्त कर दे पेंशनर्स को, चाहे वो कोई भी पेंशनर्स हो कर मुक्त कर दे। हालांकि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो वृद्ध कर्मचारी हैं, वृद्ध लोग हैं, एक मुफ्त एक ही साथ में अगर वो पैसा निकालते हैं तो उनके ऊपर कर नहीं लगेगा, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन यहाँ पे जो पेंशनर्स हैं कर मुक्त करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो उनके ऊपर कर लग रहा है उससे उनको मुक्त कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ साथ में जो और तमाम पेंशनर्स हैं उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण मांग है ये, जो केंद्र सरकार से डायरेक्ट आवाज उठा के ईपीएस 95 पेंशनर्स आवाज उठा के मांग कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आगे मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड में आप फोटो देख रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि ईपीएफओ कार्यालय में भेजा गया पत्र, और ईपीएफओ कार्यालय में पत्र भेज के ईपीएस 95 पेंशनर्स समेत अन्य जो पेंशनर्स हैं उनका जो पैसा अभी तक पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी है उसका कारण, साथ ही साथ में कब तक पेंशन में वृद्धि होगी, वो लेटर के माध्यम से भेजा गया है। यह जानकारी बिल्कुल पक्की 100% एकदम सत्य है कि ईपीएफओ कार्यालय में लेटर ज्ञापन सौंपा जा चुका है और ईपीएफओ कार्यालय को बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स को जवाब देना होगा कि कब तक में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात और जो समिति का गठन की बात था, आप देखिए फरवरी लग चुका है, समिति का गठन फरवरी में होना था, तो फरवरी तक में समिति का गठन हो जाएगा और यहां से ही डिसाइड कर दिया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ी हुई जो पेंशन है उसकी राशि कितना होगी, कितनी बढ़ेगी ईपीएस 95 पेंशनर्स की राशि। तो यहाँ पे भी ईपीएफओ कार्यालय में भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा भेजा जा चुका है ज्ञापन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ जाधव संजय
हरिभाव के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा गया है, लिखित रूप से पत्र भेजा गया है और उस पत्र में साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी ज्यादा परेशान हैं और इस बजट सत्र में उनके पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी, काफी ज्यादा निराश हैं, इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाए तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशनर्स में वृद्धि की जाए। हालांकि जितने एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं और एमएलए हैं, इन सब के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही जल्द इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेंगे या बड़ा कदम उठाएंगे, ऐसा उम्मीद अनुमान ईपीएस 95 पेंशनर्स लगा रहे हैं।